हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सौरभ से एक्वाटिक वर्ल्ड। थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा, लोग सो रहे हैं। हम 11 बजे या वो भाई साहब 1 बजे रात को ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है। ये टैग आपको याद होगा, शॉर्ट में बता देता हूँ। इसे हम लोगों ने स्टैंड पे रखा था, होम थर्माकोल लगाया था, लीक टेस्ट किया था जिसमें ये फेल हो गया था। सो मैंने आप लोगों से सजेशन पूछा था कि इसको स्टेबल कैसे करूँ। आप लोगों में से बहुत लोगों ने सजेस्ट भी अच्छी अच्छी चीज़ें की और मैंने उसी में से एक को अपनाया और मुझे कुछ सफाई भी देनी। देखिए, मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी सेट करते हुए कि स्टोन लगा रहा हूँ, मैं इसे कैसे लेवल करूँ, उसमें क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करूँ। वीडियो डिलीट हो गई, मोबाइल फॉर्मेट हो गया था मेरा, बैकअप नहीं था वीडियो का, वो उड़ गया। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं एक्सप्लेन करने के सिवाय कुछ करूँ, ठीक है। तो अभी हम एक्सप्लेन ही कर रहे हैं। अब इसको मैंने लेवल कैसे किया, तो अब यहाँ देखिए नीचे में, तो ये मार्बल के कुछ प्लेट्स लगे हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। इनकी मदद से हमने इसे लेवल किया। और अरे यार, ये स्टेबल क्यों नहीं हो रहा, ये मतलब थोड़ा सा लाइटिंग ठीक नहीं है इसका। उसके बाद हमने यहाँ पे एक किसका तो यूज़ किया था, एक्वा ग्रेस का एक 200 वॉट का एक हीटर यूज़ किया। इसके लिए जो फिल्टर रहे थे वो मिंजिंग का था, जिसके अंदर कार्बन रहता है और वो बायो बॉल्स रहते हैं, तो वो अट नहीं रहा था, तो मैंने बड़े वाले टैंक में लगा दिया जो कि आपके जस्ट पीछे है। यू इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनानी होगी मुझे, सारी फिशेस पे अप टू डेट देनी होगी। क्या बोलते हैं आप लोग, मैं फिश रूम अप टू डेट बनाऊँ या नहीं। सो उसका फिल्टर का मैंने एक सेट कम करके इसमें सेट किया है, और यहाँ पे आप जो बायो बॉल्स देख रहे हैं इसमें से कुछ बायो बॉल्स उसमें घुसा दिए। उसके बाद मैंने देखा कि ये मूवमेंट तो पूरा बढ़िया से कर रहा है, लेकिन थोड़ा ऑक्सीजन के लिए, एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए मैंने और बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन के लिए ये डाल दिया स्पॉन्ज फिल्टर, पानी भर के एक दो वीक छोड़ दिया। और उसके बाद मैंने सोचा यार टैंक खाली है, सजेशंस भी आ रहे हैं लेकिन मैं सोच नहीं पा रहा हूँ क्या करना है, तो मैंने फ्लावर हंट उठा के इसमें डाल दिया। तो बोला ये अग्रेसिव है। इसका भी टैंक मैं यहाँ नीचे ही रखूँगा जल्दी। तो इसके टैंक में मैंने जो लाइट यूज़ की वो सुबह की वो लंबी वाली लाइट आती है, ये लाइट अच्छी, उसका यूज़ किया। थोड़ा सा कस्टम करना पड़ेगा और कुछ नहीं, लेकिन मैं अब इसके आगे जो शायद ब्लैक यूज करूँ वो थोड़ा रेड कलर या पिंकिश कलर का होगा। सो ये था टैंक। मैंने इसे पूरी तरीके से बेयर बॉटम छोड़ दिया है, क्योंकि जो जो मैं फिश सोच रहा हूँ वो सब मेनली बेयर बॉटम ही प्रेफर करते हैं। मैं जो फिश सोच रहा हूँ, प्लीज कमेंट्स में बताओ कौन सा फिश मैं लूँ। मेरे पास पहला ऑप्शन है एरवाना, उसमें भी मैं क्योंकि अपना पॉकेट मनी से हमको यूज़ करना है तो मेरे पास कुछ ज़्यादा बड़ा ऑप्शन नहीं है। गोल्डन पर्ल एरवाना और सिल्वर एरवाना को छोड़िए। उसके बाद डिस्कस। सॉरी, अचानक से मेरे मोबाइल का बैटरी ऑफ हो गया था तो वो रिकॉर्ड ठीक से नहीं हो पाया, लेकिन मैं बोल रहा था कि डिस्कस अगर रखता हूँ वो छोटे साइज़ की आएगी और उसे ग्रो होने में टाइम लगेगा, और उसका कॉस्ट यहाँ पटना में बहुत है। और अगर मैं एरवाना लेता हूँ तो ग्रो 2-3 साल में इस टैंक को आउटग्रो कर जाएगी, और फिर मुझे मैं उसके लिए एक बड़ा टैंक बनवा लूँगा और उसमें शिफ्ट कर दूँगा। सो यही मैं बीच में बता रहा था, और अब आगे आप वीडियो में देख सकते हैं। और इस वीडियो में जो क्लिप यूज़ कर रहा हूँ वो अतुल चौहान की एक फिश है, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहें तो उनसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं ये बोल के कि मुझे इस नंबर को शौर्य ने दिया। बैक टू यू। उसके बाद मैं अरवाना को शिफ्ट करके इस टैंक में कर दूंगा और फ्लावर ऑन को उसके 2.5 फीट के टैंक में वापस, और कुछ दिनों के बाद मैं इस स्टैंड के नीचे में फ्लावर ऑन को रख देता हूँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। Devil in a red dress.